इस बजट में मौसमी बीमारियों से रोकथाम के लिए भी प्रस्ताव है। इसके तहत नगर निगम टू व्हीकल माउंटेड फॉगिंग मशीन और 20 पोर्टेबल फॉगिंग मशीन की खरीद करेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 15 सार्वजनिक शौचालय और सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे। वहीं कचरे से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इन्हें कर्मचारियों के लिए अलग से डिस्पेंसरी बनाने के लिए तकरीबन 2.5 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही हर जोन में 1 करोड़ की लागत से खेल के मैदान विकसित होंगे। इस पर कुल 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कंपनी करवाया गया है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी और देना चाहता हूँ कि जयपुर शहर में व्यवस्थित कचरा डिपो लगभग 2200 है, लेकिन अभी लगभग 7000 जगहों पर कचरा डाला जाता है। इसको व्यवस्थित करने के लिए जयपुर शहर में प्रत्येक डिपो को इस बार के बजट में 5 लाख रुपए से हर वार्ड में प्रत्येक डिपो को पक्का करवाने का कार्य भी हमने लिया है। तो पक्का करवाया जाएगा। इस बार अब जयपुर शहर के नगर निगम के प्रत्येक डिपो पर उसका वार्ड नंबर और डिपो नंबर अंकित करने का काम शुरू हो चुका है। 2017-18 में मुख्यालय संघ द्वारा बीओटी आधार पर 66 स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 150 स्थानों पर सार्वजनिक मूत्रालय निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कर्मचारी कल्याण और प्रोत्साहन कर्मचारी कल्याण की दृष्टि से नगर निगम जयपुर के स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए एक अलग डिस्पेंसरी के लिए 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। खेल के मैदान अभी तक नगर निगम जयपुर में हम पार्कों का निर्माण करते हुए आए, लेकिन अब से प्रत्येक जोन स्तर पर इसके लिए मद का वो रखा गया है। हर जोन पर 1 करोड़ रुपए की राशि से खेल के मैदानों को विकसित किया जाएगा। तो जयपुर में शहरी सरकार का बजट पेश हो गया है। इस बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सफाई के नाम पर जनता पर बोझ डाला गया है। दरअसल गरीब थरी ठेले संचालकों की जेब पर भी डाका पड़ेगा। सफाई शुल्क के नाम पर 50 रुपए प्रतिदिन वसूले जाएंगे। हाउस यूनिट टैक्स वसूली के लिए भी सख्ती अपनाई जाएगी। टैक्स नहीं दिया तो अब सीवर कनेक्शन तक काट दिए जाएंगे। इन्हें विकास कार्यों के नाम पर कोई घोषणा नहीं हुई है। पुराने प्रोजेक्ट को पढ़कर बोर्ड की उपलब्धियों को गिनाया गया। वित्तीय भार बढ़ाने के लिए जोन बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। हालांकि बजट भाषण प्रतिक्रिया नहीं देने पर कांग्रेसी नाराज हैं। दीपक गोयल जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, विकास कार्यों को लेकर कोई खास बड़े ऐलान तो है नहीं, लेकिन जिस तरीके से अब जनता पर बोझ पड़ने वाला है उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री का दास पूरा करने के लिए नगर निगम में शहरवासियों पर यह बोझ क्या है, जहाँ सफाई के नाम पर जहाँ खाली भूखंडों से जो कचरा पड़ा रहता था भूखंडधारियों के 10,000 रुपए वसूले जाएंगे। वहीं जो गरीब थड़ी ठेले वाले हैं उनसे हर दिन 50 रुपए उनको प्रतिदिन वहाँ से वसूले जाएंगे। ये एक गरीब जनता पर यहाँ पर बोझ डाला गया है, जो प्रतिदिन अपनी सुबह जून की रोटी कमाने के लिए सुबह शाम फुटपाथ पर थड़ी ठेला लगाते हैं और शाम को ऊपर जाते हैं, उनके ऊपर ये सबसे बड़ी यहाँ पर बोझ डाला गया है। इसी के साथ जो खाली भूखंडधारी है जयपुर के अंदर जितनी भी कॉलोनियां हैं वो लंबे समय से उसमें कचरा जमा है, यदि वो 7 दिन के अंदर अपना कचरा नहीं हटाते हैं तो उनके ऊपर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। कुल मिलाकर जो शहर की जनता है उस पर मुसीबत आने वाली है। छोटी छोटी बातों को लेकर सख्ती तो बढ़ती जाएगी, लेकिन कांग्रेस काफी नाराज दिखी आज। बिल्कुल, कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया है गरीब जनता पर भार डाला गया है, साथ ही जिस तरीके से बजट में उनकी जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए था, क्योंकि उनके माइक भी बंद कर दिए गए। और मेयर अशोक लाहोटी का जो सख्त निर्देश दिए कि यदि एजेंडे के दूसरे किसी अन्य पर चर्चा की गई तो उसका बहिष्कार, वो उनको निष्कासन यहाँ पर कर देंगे। इसी को लेकर आज गहमा गहमी भी हुई और लंच के बाद ये सभी कांग्रेसी पार्षद हैं उन्होंने बैठक का यहाँ पर बायकाट कर दिया और करीब बताया कि 4 घंटे के अंदर करीब 6 घंटे बैठक चली, जिसमें 1.5 घंटे में सभी जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर पारित कर दिए गए। करीब 13 प्रस्ताव है जिसमें 7 जो मुख्य एजेंडे हैं और 6 अतिरिक्त एजेंडे में जो प्रस्ताव रखे गए थे उन पर सब पर ही यहाँ पर बोर्ड लगा दी गई है। लेकिन इन सभी प्रस्तावों की हम बात करें तो जिसमें प्रतिष्ठानों के लिए जो रूल बनाए गए हैं कि कचरा पात्र उनको रखना अनिवार्य होगा, यदि कचरा पात्र यदि वो नहीं रखते हैं तो उनकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत यदि जाने तो कचरा ले जाने की अभी तक पूरी व्यवस्था बड़ी बड़ी हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया फिलहाल आपका पूरी जानकारी के लिए।
तो जयपुर नगर निगम की बजट बैठक के दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस पार्षद मेयर अशोक लाहोटी द्वारा बजट भाषण पढ़ने का विरोध कर रहे थे। विपक्ष वित्त समिति के चेयरमैन राखी राठौर से बजट पढ़ाने की मांग कर रहा था। इधर अपनी मांगों को लेकर पार्षद मेयर के आसन के पास पहुंच गए। कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि अभी तक समिति के चेयरमैन का इस्तीफा सरकार तक नहीं पहुंचा है, इसलिए समिति अध्यक्ष ही बजट पढ़ें। इधर जयपुर के झुटवारा इलाके में जेडीए की ओर से जारी किए गए तोड़फोड़ के नोटिस के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और रैली निकाली, बाजार बंद करवाए। इस दौरान जयपुर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खचरियावास ने व्यापारियों को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि अगर जेडीए ने कार्रवाई को नहीं रोका तो यहां गोलियां चलेगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि जेडीए सेक्रेटरी से इस बारे में बातचीत करके व्यापारियों की सुनवाई करने के लिए कहा गया है। अगर आजादी से पहले के लोगों को यहां से हटाया जाएगा तो जेडीए की कार्रवाई पर यहां टकराव बढ़ सकता है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि जेडीए ने 38 दुकानों को एक साथ नोटिस भेज दिए। इसमें ओवरब्रिज से ओम टार तक दुकानों को तोड़ने की बात कही है। साथ ही एक दिन में यानी कि 10 फरवरी को इस पर कार्रवाई होगी। इस बीच बड़ी खबर जयपुर से। रामगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बालक से अश्लील हरकत करने वाला शिक्षक गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर से फरार होने की फिराक में था आरोपी। 3 सालों से बच्चे का यौन शोषण कर रहा था। एडीसीपी समीर दुबे के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, जयपुर का मसला। रामगंज थाना पुलिस को सफलता मिली है। एक बच्चे से, मासूम बच्चे से अश्लील हरकत करने वाला शिक्षक आखिरकार गिरफ्त में आ चुका है पुलिस की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जी राजस्थान न्यूज सबसे पहले ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। यही है वो दरिंदा जिसने मासूम बच्चे से घिनौनी हरकत की थी, अश्लील हरकत की थी, और अब ये शिक्षक गिरफ्त में आ चुका है। शरद पुरोहित भी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या अपडेट है? बिल्कुल, ये बता दें, रामगंज थाने इलाके का मामला है। पिछले 3 साल से ये जो रमेश शिक्षक है, इसके इस बच्चे को अपने घर पर बुलाता था ट्यूशन के जरिए। वहां पर बुलाकर इसके साथ इसने कुकर्म किया और उसका वीडियो भी बनाया। इसने कई बार इसको ब्लैकमेल करके पैसे इससे मंगवाए। तो कहा जा सकता है कि एक बहुत ही घिनौना काम इसने किया। शिक्षक कहा जा सकता है कि पूरी शिक्षक बिरादरी को इसने यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश की। अब रामगंज पुलिस लगातार 2 दिनों से इसके पीछे थी। ये फरार होने की यहाँ से कोशिश कर रहा था। पुलिस को कहीं से मुखबिर के जरिए इसके बारे में सूचना मिली है। उसको आगे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको रामगंज थाने पर लाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। चलिए, शुक्रिया आपका शरद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, जयपुर का ये पूरा मसला। रामगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गिरफ्तार शिक्षक का नाम रमीज है। जयपुर से फरार होने की फिराक में था रमीज। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने कार्रवाई की। एडीसीपी समीर दुबे के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई और अब ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर जयपुर के बजाज नगर इलाके में युवती पर हमला कर गला काटने के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। 5 फरवरी को छात्र पीपी सिंह ने अपनी प्रेमिका का गला रेत दिया था। उसे पता चला कि छात्रा पीपी की कहीं और सगाई की बात चल रही है। इस बात से आक्रोशित होकर छात्र उसके हॉस्टल पहुंचा, उस पर हमला कर दिया। घायल छात्रा को जयपुरिया हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पुलिस ने मामले में जांच की। आरोपी पीपी सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। इधर जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक सीए से ब्लैकमेलिंग के मामले में एसओजी ने आज रैकेट के 4थे आरोपी किशोरी लाल को भी पकड़ लिया। इसके पहले एसओजी 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस रैकेट में कोटा की रहने वाली एक महिला के जरिए पूरा जाल बिछाया था और ब्लैकमेल करके सीए से करीब 75 लाख रूपये वसूले थे। ब्लैकमेलिंग कांड में सीए से रकम लेकर अन्य आरोपियों तक पहुंचाने में किशोरी लाल की अहम भूमिका रही थी। फिलहाल एसओजी की टीम आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। और ये आरोपी किशोरी लाल, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लगातार इस रैकेट के एक एक सदस्य तक एसओजी की टीम पहुंच रही है। इसी कड़ी में किशोरी लाल की अहम गिरफ्तारी। प्रदेश के सबसे काबिल इंजीनियर्स की टीम का दावा करने वाले जेडीए के दावे अब खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। गुर्जर की खड़ी के पास टूटी मुख्य सड़क की पुलिया को जेडीए के इंजीनियर 6 महीने पूरा होने के बाद भी सही नहीं कर पाए। चौंकाने वाली बात यह है कि अभी इस काम को पूरा होने में 2 महीने का समय और लग सकता है। ये रिपोर्ट देखिए।
2 अगस्त 2016 को शहर में हुई हल्की बारिश से ही गुर्जर की खड़ी के पास गोपालपुरा बाईपास को मानसरोवर और न्यू सांगानेर से जोड़ने वाली सड़क धस गई। थोड़ी देर में सड़क का काफी हिस्सा जमींदोज हो गया। टूटी सड़क का कारण सीवरेज का अधिक प्रेशर बताया गया। उस समय जेडीए के इंजीनियर्स ने दावा किया कि अगले 7 दिन में टूटी हुई सड़क को सही कर दिया जाएगा। अगले दिन किसी भी तरह से 3 में से 2 लेन्स पर यातायात को शुरू कर दिया गया, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी जेडीए इंजीनियर काम पूरा नहीं कर पाए। यातायात शुरू होने के बाद जेडीए के शीर्ष इंजीनियर्स की लापरवाही सामने आई। पहले तो करीब 2 महीने तक दोनों निदेशक इंजीनियरिंग एमसी माथुर और ललित शर्मा इस बात पर उलझे रहे कि सड़क के काम को सही कौन करेगा। जब जी राजस्थान ने इंजीनियर्स के इस झगड़े का खुलासा किया तो खबर का असर हुआ और निदेशक इंजीनियरिंग सेकंड ललित शर्मा के पास ये जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इस काम को कम से कम समय में पूरा करना था। वहाँ लापरवाही का आलम यह रहा कि अभी भी मौके पर मुश्किल से 70% ही काम हो पाया है। कुछ जेडीए के इंजीनियर कह रहे हैं कि अब पुलिया अप्रैल महीने तक शुरू हो पाएगी। इंजीनियर्स का कहना है कि पुलिया के नीचे कई तरह के पाइप और तार होने के कारण काम में देरी हो रही है, लेकिन इसके उलट सच ये है कि मौके पर यातायात शुरू होने के बाद से ही इंजीनियर बेपरवाह हो गए हैं। अभी भी मौके पर जेडीए का काम कछुआ गति से चल रहा है, जिस कारण से 3 लेन की इस सड़क पर अभी शहर के हजारों वाहन चालकों को अप्रैल तक 2 लेन की सड़क पर ही चलना होगा और परेशानी का सामना करना होगा। 6 दिन में गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो जाती हैं, वहाँ 6 महीने बाद भी जेडीए के इंजीनियर एक पुलिया के टूटे हुए हिस्से को सही नहीं कर पा रहे। और ये हालात तब है जब यूडीएच मंत्री से लेकर तत्कालीन जेडीसी तक ने यह दावा किया था कि 7 दिन के अंदर हम इस पुलिया को सही कर देंगे। बहरहाल जेडीए के इंजीनियरों की लापरवाही का परिणाम जयपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि लापरवाह इंजीनियरों पर जेडीए प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या नहीं। कैमरामैन अनिल के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, जी मीडिया, जयपुर। और हम कहीं एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे कल रिलीज होने जा रही अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म जॉली एलएलबी 2 की, जो संकटों में फंस सकती है। दरअसल जयपुर महानगर एसीएमएम कोर्ट ने फिल्म के ट्रेलर में वकीलों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में प्रसंज्ञान लिया है और कोर्ट ने अभिनेता अक्षय कुमार, अनु कपूर सहित फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर को समन जारी कर 10 मार्च को तलब किया है। एडवोकेट अश्विनी मिश्रा और महावीर सुरेंद्र जैन ने बताया कि परिवादी प्रीतम चंद ने फिल्म जॉली एलएलबी 2 का ट्रेलर देखा। इसमें अभिनेता अक्षय कुमार ने वकीलों की छवि को धूमिल करने के लिए अशोभनीय संवाद बोले, जिससे वकीलों और कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंची। माननीय की इस अदालत में अभिनेता अक्षय कुमार की जोड़ी एलएलबी 2 फिल्म को लेकर परिवादी टीकम शर्मा के द्वारा जो परिवाद पेश किया गया उसमें मैंने पैरवी की है। न्यायालय के समक्ष परिवादी की और जो साक्ष्य थे वो पेश किए हमने और वो सीडी पेश की जिसके अंदर वो ट्रेलर दिखाया गया था। न्यायालय ने ट्रेलर देकर जो साक्ष्य पेश किए गए उनका अवलोकन करने के पश्चात ये प्राइमा फेसी माना कि इस फिल्म के द्वारा कहीं न कहीं पर अधिवक्ताओं की और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी में केंद्रीय छात्र संघ कार्यालय का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने उद्घाटन किया। महासचिव, संयुक्त सचिव और उपाध्यक्ष के छात्र संघ कार्यालयों का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी, विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह, संसदीय सचिव कैलाश वर्मा भी मौजूद रहे। परनामी ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और ऐसे कार्यक्रमों में आकर युवाओं को हौसला बढ़ाने का अवसर मिलता है तो जरूर पहुंच जाते हैं। मुझे इस बात की इस बार प्रसन्नता है कि पूरे राजस्थान प्रदेश में सभी छात्र संघों पर करीब करीब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कैंडिडेट जीते हैं। ये एक स्पष्ट संदेश देते हैं कि आज का युवा अनुशासन पसंद करता है, आज का युवा राष्ट्र के प्रति समर्पित है, आज का युवा प्रदेश के प्रति समर्पित है और आज का युवा खुद भी आगे बढ़ना चाहता है और राष्ट्र को भी आगे बढ़ाना चाहता है। ये बड़ा स्पष्ट संदेश इस बार पूरे राजस्थान प्रदेश के युवाओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कैंडिडेट को जिता करके स्पष्ट संदेश देने का काम किया है। छात्र संघ का कार्यालय का आज उद्घाटन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चे हैं जो जीत कर आए हैं। इनके इस कार्यक्रम में मुझे इस बात की खुशी है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं रहता है कि वो सिर्फ अपना इलेक्शन कर लें और कोई पदाधिकारी बन जाए, इतना तक ही नहीं, लेकिन उन छात्रों के बेटरमेंट के लिए, उन छात्रों का और किस तरीके से अच्छे करिकुलम हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकें, हमारे पाठ्यक्रम अच्छे बन सके। इधर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि एवं मानवाधिकार प्रकोष्ठ ने बजट में अधिवक्ताओं की समस्या समाधान के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। अधिवक्ताओं के वेलफेयर फंड, केंद्रीय लाइब्रेरी के लिए भवन सहित सुविधाएं और ऐसी कई मांगे हैं। साथ ही राज्य उपभोक्ता मंचों के जिला अध्यक्षों के 50 फीसदी पद पर अधिवक्ताओं की नियुक्ति, राजस्व न्यायालय में सुधार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिवक्ताओं को राहत सहित 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है। विधि एवं मानवाधिकार विभाग अध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अधिवक्ताओं को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने 3 साल में अभी तक अधिवक्ताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बजट में अधिवक्ताओं की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेश भर में अधिवक्ता आंदोलन करेंगे। इधर जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में गोरख भंडार के पास मकान में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। दरअसल सूचना पर पहुंची 3 दमकल ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, इसकी जानकारी वीकेआई एएफओ अजय जलेस ने दी है। इधर चौमू तहसील के कालाडेरा थाना अंतर्गत जालसू चौकी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने के एक कारखाने का भंडाफोड़ किया। जालसू चौकी के मुकुंदपुरा द्वितीय मीनू की ढानी में पुलिस ने कार्रवाई की, अवैध शराब बनाने वाली 3 भट्टियों को नष्ट किया। वहीं मौके पर मिली करीब 100 लीटर वॉश को नष्ट करवाया गया। 2 लोगों को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है और इस मामले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। राजपूत समाज अब आरक्षण की मांग को बुलंद करेगा। राजधानी के राजपूत सभा भवन में कर्मी सेना प्रमुख लोकेन्द्र सिंह कालवी आज मीडिया से रूबरू हुए। कालवी ने कहा कि राजपूत समाज पिछले 15 सालों से आरक्षण की मांग कर रहा है, लेकिन आरक्षण नहीं मिल रहा। ऐसे में अब समाज का मुख्य एजेंडा आरक्षण लेना होगा। कालवी ने कहा कि मैं कुछ दिनों बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मिलूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले आरक्षण की समीक्षा को लेकर बयान दिया था। ऐतिहासिक सफलता से राजपूत कर्मी सेना की रानी पद्मावती वाले मामले में जिस तरह से लोगों ने साथ और समर्थन दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसा ही समर्थन आरएसएस ने दिया और जहां बात सपने की चली, हमने एक सपना रूप दिया और हम एक सपना लेने से अभी तक वंचित हैं, वो है आरक्षण। एसीबी का भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान इन दिनों चरम पर है। प्रदेश भर में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में की गई केंद्रीय भंडार पर छापेमारी की कार्रवाई के 3रे दिन आज एसीबी ने केंद्रीय भंडार के अधिकारियों से पूछताछ की, साथ ही पीएचईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए एसीबी कार्यालय बुलाया, लेकिन अधिकारी फिलहाल एसीबी कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके साथ ही एसीबी ने ठेकेदार लोकेश जैन के सिटी सेंटर स्थित कार्यालय पर दबिश दी, लेकिन कार्यालय बंद होने के कारण एसीबी को वापस लौटना पड़ा। एसीबी की टीम ने जैन के आईसीआईसीआई बैंक के खाते की जानकारी भी जमा की। टीम ने इस मामले में चीफ इंजीनियर सीएस चौहान, सेंट्रल स्टोर मैनेजर शैलेश सक्सेना को भी पूछताछ के लिए बुलाया। इधर रेलवे में निजीकरण का विरोध सहित कई मांगों को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय पर आज रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से किए गए इस प्रदर्शन में कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई, साथ ही रेलवे बोर्ड की नीतियों को दमनकारी बताया गया। यूनियन की ओर से 2 से 9 फरवरी तक विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के अंतिम दिन रेलवे मुख्यालय सहित सभी 4 DRM कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन किए गए। रेलवे कर्मचारियों ने पदोन्नति तुरंत करने, अंतर रेलवे जोनल स्थानांतरण में 5 साल की अनिवार्यता हटाने, भत्तों का भुगतान करने की मांगे शामिल हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे एक अहम सवाल, क्या हल्दी घाटी के इतिहास को आज तक गलत पढ़ाया गया है? इस अहम मसले पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए कैपिटल लेटर्स में टाइप करें NV स्पेस दे हां के लिए Y और ना के लिए N टाइप करें और इसे भेज दें 57575।
सकते